और 17 से तो आपने खींच लिया है, 2017 से 7 साल तो हो गया। मैं एंगेज हुआ हूँ 23 में सर। नहीं आप जी 23 में, आपको आपकी से हमारी कोई शिकायत नहीं, मिस्टर कोस्टा। जी हमें देखिए लॉयर से कोई तकलीफ नहीं है, अगर तो बख्तियार है उनके प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करेंगे। नहीं, जैसा आप उचित समझे। 17 से अगर आपने डिग्री का उसको एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है तो क्या मतलब होगा जुडिशियल सिस्टम का? आज 7 साल हो गए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट टाइम एंड अगेन डेप्रिकेट द प्रैक्टिस की 6 महीने स्टेटमेंट। में एग्जीक्यूशन होना चाहिए सर। फिर 17 साल हो गया, जी अदरवाइज को लोगों को विश्वास ही खत्म हो जाएगा। नहीं वैसे नहीं करेंगे। एंड ऑफिसर माय क्लास टू गस्टेड ऑफिसर माय लॉर्ड वाज अर्लियर डिपो मैनेजर माय मलोड लॉर्ड एंड माय लॉर्ड राजपुरी वन। ही हैज सबमिटेड एफिडेविट माय लॉर्ड दैट अर्लियर ही वाज ही हैड अ हाउस इन गोड़ियारी रायपुर व्हिच ही हैज सोल्ड आउट। इन फैक्ट ही हैज नॉट बीन सोल्ड आउट द प्रॉपर्टी माय लॉर्ड। तो इफ इट टू डू सो दे मे सबमिट द सेल डीड माय लॉर्ड। मलोड मे आई सबमिट ओनली आई एम इनकरेक्ट एंड फेक एफिडेविट हैज बीन फाइल्ड। यस आई एम थ्रू लीगल एड माय लॉर्ड। व्हाई लीगल एड? बिकॉज माय लॉर्ड दिस पर्सन इज एज एंगेज आई एम बीन एंगेज टू लीगल एड माय लॉर्ड। सर अगर आप इसमें एक निवेदन था सर, इसमें रिपोर्ट मंगवा लेते। रिपोर्ट ने उसको अपीयर करवा लें साहब, वो तो एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द रेस्पोंडेंट हियर इन माय लॉर्ड इज प्रेजेंट माय लॉर्ड। माय लॉर्ड इफ ही यूज्ड टू वियर गोल्डन रिंग्स इन ऑल 10। उसमें क्या, उसमें क्या अगर वो मान लीजिए उसको भिक्षा में मिल जाता वो तो भी पहन लेता, वो सोना पहन लेता, उसमें क्या? वो ऐसा कोई थोड़ी कारण है। वेल ऑफ माय लॉर्ड ऐसा रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट। कैसे रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट है? ही वॉज डिपो मैनेजर। नहीं इसमें लिखा भी है सर कि हमको पेंशन जो है 1100 रुपए मिल रही है सर। वो तो ईपीएफ की मिलती है भाई जी। और वो रिटायरमेंट के पहले पेंशन और ग्रेच्युटी कितनी मिली है माय लॉर्ड और कहाँ काम किया है? तो जो इसमें है सर वो मैं 2016 का डिक्री है सर। क्या हो गया है? मनी डिक्री है। मनी डिक्री है सर 3,78,000 थी। सर्टेन अमाउंट वॉज टेकन बाय हिम फ्रॉम द रिस्पोंडेंट ईयर। जब वो इंजेंट परसेंट था तो 3 लाख रुपए लिया क्यों? पहली बात जी पैसे ही क्यों लिया? उसका तो डिफेंस यही है सर कि नहीं नहीं हाँ, पर समझ जो गरीब आदमी है मान लीजिए तो वो अंकिचन है तो 3 लाख रुपए का लेकर करेगा क्या? सत्तर साल का है सर तो अगर उसे कुछ क्या हुआ? नहीं मैं ये निवेदन कर रहा हूँ सर कुछ नहीं कि पैसा तो किसी का पैसा खाया हो ना पैसा वापस कर। नहीं मैं ये बोल रहा हूँ सर कि इसको मैं एक आप कोई भी कमीशन दे दीजिए। हाँ दे देंगे हमें। हम मैं उसको पर्सनली फोन करके मैं बोल देता हूँ कि कोर्ट में अगर कोई चांस हो टू रिमेन प्रेजेंट। अब ये बताओ आप उसको बोलो कि इंस्टॉलमेंट में पैसा दे। मैं पूछ लेता हूँ सर इसको। सी बात है इसको लिया है ना पैसा सर? उसका ये कहना है कि मैं नहीं लिया हूँ बाकी सर। और गवाही में क्या आई है फिर? डिक्री तो है सर, चेक भी, चेक अमाउंट भी थे उसमें। चेक चेक से दिया था ना? कौन से बैंक का था? पंजाब नेशनल। आप पंजाब नेशनल बैंक का पिछले 25 साल का स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भेजिए, पेश कीजिए, लिखो भाई। हम मंगवाते ना उन्हीं से मंगाते सर। मैं एक उसका इंस्ट्रक्शन ले लेता हूँ सर। ना ना व्हाई वी वेट फॉर इंस्ट्रक्शन? विल डायरेक्ट देम वी विल नॉट अलाउ टू प्ले विद द कोर्ट सिस्टम। देखना द रिकॉर्ड ऑफ द केस का रिकॉर्ड है, कोर्ट का रिकॉर्ड है क्या पंडित जी? और 17 से तो आपने खींच लिया है, 2017 से 7 साल तो हो गया। मैं एंगेज हुआ हूँ 23 में सर। नहीं आप 23 में, आपकी से हमारी कोई शिकायत नहीं है मिस्टर कोस्टा जी। हमें देखिए लॉयर से कोई तकलीफ नहीं है, अगर तो बख्तियार है उनके प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करेंगे। नहीं जैसा आप उचित समझे। 17 से अगर आपने डिग्री का उसको एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है तो क्या मतलब होगा जुडिशियल सिस्टम का? आज 7 साल हो गए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट टाइम एंड अगेन डेप्रिकेट द प्रैक्टिस। 6 महीने में एग्जीक्यूशन होना चाहिए। फिर 17 साल हो गए, अदरवाइज को लोगों को विश्वास ही खत्म हो जाएगा। नहीं वैसे नहीं करेंगे। आप तो पहले बैंक के स्टेटमेंट निकालो, लिखो द एप्लीकेंट हैज फाइल्ड प्रेजेंट एप्लीकेशन क्लेमिंग टू बी इंटेलिजेंट। क्या बोलते हैं ना अंकिचन को देख लेना, वो हिंदी आता है, क्या बोलते हैं भाई इंटेलिजेंट पर्सन अंडर ऑर्डर 44 रूल 1 CPC। दिस वॉज पेमेंटली अपोज बाय मिस्टर तिवारी and would submit that he was working as depot manager
and has some property also at Goliari, Raipur. Let the petitioner file detailed affidavit with regard to this property and income tax returns submitted to the income tax department for last 10 years and also file bank statement to substantiate that, to prima facie record a finding to this court that he is an indigent person.